कोरोना वायरस महामारी का संकट हिंदुस्तान में बढ़ता जा रहा है। सोमवार सुबह तक देश में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या 1200 के पार कर ली गई है, जबकि 3500 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं और 110 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। रविवार को दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के दर्जनों भर पॉजिटिव मामले सामने आए और जिसके बाद हड़कंप मच गया। वहीं देश में कोरोना वायरस पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सोमवार सुबह मध्य प्रदेश के इंदौर से कोरोना वायरस के 8 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 7 लोग इंदौर और 1 उज्जैन के रहने वाले हैं, जो कि कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसके अलावा महाराष्ट्र में भी कोरोना वायरस के केस की संख्या 215 तक पहुंच चुकी है। राज्य में अब तक 8 की मौत हुई है और 35 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। लगातार प्रकोप जारी है। देश भर में कोरोना वायरस के 4 दिन में डबल आंकड़े हो गए। 35 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र और केरल सबसे ज्यादा प्रभावित। पीड़ितों की संख्या 1200 के पार पहुंच चुकी है। 100 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। लगातार कोरोना का कहर बढ़ता हुआ।